द स्मार्ट स्कूल ग्रेड टू, द स्मार्ट रिसोर्स पैक, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ये नीचे दिए गए वर्ड्स आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने हैं। नंबर वन, फ्रेंड, ट्रस्ट, नाइस। अब आप फर्स्ट वर्ड को देखें, सो एफ टी एन, सो एफ सबसे पहले आता है, सो फ्रेंड, और टी एन में एन पहले आता है, सो नाइस, और ट्रस्ट, ट्रस्ट, सो फ्रेंड, नाइस, ट्रस्ट, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो गए हैं। नंबर टू, डॉग, गेम, बेड, सो बी सबसे पहले आता है, फिर डी और फिर जी, सो बेड, डॉग, गेम। नंबर थ्री, टीचर, स्कूल, प्रिंसिपल, सो पी फिर उसके बाद एस आता है और फिर टी, सो प्रिंसिपल, स्कूल, टीचर, सो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो गए हैं। नंबर फोर, शेयर, केयरिंग, स्वीट, फर्स्ट आपने केयरिंग लिखना है क्योंकि सी अल्फाबेट्स में पहले आता है, सो केयरिंग, अब शेयर एंड स्वीट दोनों एस से शुरू होते हैं, सो जब वर्ड्स का पहला लेटर एक जैसा हो तो फिर आपने सेकंड लेटर को कंपेयर करना है, सो एस एस, सेकंड लेटर एच एंड डब्ल्यू, सो एच कम्स फर्स्ट, सो शेयर एंड देन स्वीट। फाइव, लव, आइस, जंप, आई जे एंड एल, सो आइस फर्स्ट, जंप जे, सो जंप सेकंड, और एल, सो लव थर्ड। नंबर सिक्स, रिसेस, रीडिंग, साइंस, सो आर एंड एस, सो आर कम्स बिफोर एस, सो आपने पहले जो आर से वर्ड शुरू हुए हैं वो लिखने हैं, सो आर एंड आर आर द सेम, सो यू गो टू द सेकेंड लेटर, ई एंड ई आर द सेम, सो यू गो टू द थर्ड लेटर, सी एंड ए, सो ए कम्स बिफोर सी, सो रीडिंग, रिसेस एंड साइंस, सो रीडिंग, रिसेस एंड साइन, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो गए हैं। कंप्रिहेंशन, अब व्हाट इज कंप्रिहेंशन? कंप्रिहेंशन मींस अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग अ पैराग्राफ एस है बाय योरसेल्फ। अब कंप्रिहेंशन से क्या मुराद है कि आपको जब कोई पैराग्राफ ऐसे वगैरह दिया गया हो उसको अच्छी तरह समझना और फिर उसकी अपने अल्फाज में तशरीह करना। अ लिस्ट इज अ नंबर ऑफ थिंग्स रिटन डाउन इन अ सर्टन ऑर्डर और ग्रुप। रीड द लिस्ट ऑफ रूल्स, देन यूज द रूल्स टू आंसर ईच क्वेश्चन बिलो। पार्क रूल्स, ये पार्क के कुछ रूल्स हैं। थ्रो ट्रैश इन कैंस, बी काइंड टू फ्रेंड्स एंड अदर्स इन द प्लेग्राउंड, डू नॉट प्ले इन द प्लेग्राउंड आफ्टर डार्क, डू नॉट लेट पेट्स गो क्लोज टू द स्विंग्स एंड स्लाइड्स। अब इन रूल्स की मदद से आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। नंबर वन, अली हैज जस्ट फिनिश्ड ईटिंग हिज लंच, व्हाट शुड ही डू विद द एम्प्टी बैग्स। रूल नंबर वन क्या है? थ्रो ट्रैश इन कैंस, सो अली शुड थ्रो द एम्प्टी बैग्स इन कैंस। नंबर टू, द सन हैज गॉन डाउन, इज इट ओके टू प्ले ऑन द स्विंग, वाई और वाई नॉट।
रूल नंबर थ्री, डू नॉट प्ले इन द प्ले ग्राउंड आफ्टर डार्क. इट इज नॉट ओके टू प्ले ऑन द स्विंग बिकॉज इट इज नॉट अलाउड टू प्ले इन द प्ले ग्राउंड आफ्टर डार्क. अंधेरा हो जाने के बाद प्ले ग्राउंड में खेलना अलाउड नहीं है. क्वेश्चन नंबर थ्री, सारा इज वॉकिंग विद हर डॉग ऑन द साइडवॉक. शी वॉन्ट्स टू टॉक टू अ फ्रेंड हु इज ऑन द स्लाइड. वट शुड शी डू. रूल नंबर फोर, डू नॉट लेट पेट्स गो क्लोज टू द स्विंग्स एंड स्लाइड्स. सो सारा की फ्रेंड स्लाइड पे है और उसको उससे बात करनी है, लेकिन रूल क्या है? डू नॉट लेट पेट्स गो क्लोज टू द स्विंग्स एंड स्लाइड. सो वट शुड शी डू? शी शुड वेट फॉर हर फ्रेंड टू फिनिश प्लेइंग एंड कॉल हर फ्रेंड टू द साइड वॉक टू टॉक टू हर. सारा को चाहिए कि वो इंतज़ार करे कि उसकी फ्रेंड खेलना ख़त्म करे और उसके पास साइड वॉक पे आए और वो उससे बात करे. या शी कैन ऑल्सो टाई हर डॉग टू द फेंस एंड वॉक टू द स्लाइड टू टॉक विद हर फ्रेंड. वो ऐसा भी कर सकती है कि वो अपने डॉग को प्लेग्राउंड के फेंस के साथ बांधे और स्लाइड्स के करीब जाकर अपनी दोस्त से बात करे. नंबर फोर, राइट अनदर रूल यू थिंक वुड बी हेल्पफुल एट द पार्क. वेट फॉर योर टर्न एंड अनदर रूल, डोंट टेक थिंग्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स. थैंक यू किड्स फॉर वॉचिंग. सी यू अगेन सून विद अनदर वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.